तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने इससे पहले आपके फॉर्मेटिंग की 2-3 क्लास दी, जिसमें आपने फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स के बारे में जाना, कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में जाना। बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, मतलब कि मैं चाहता हूँ फॉर्मेट विथ कंडीशन, कि फॉर्मेट विथ कंडीशन, फॉर्मेटिंग हो लेकिन कंडीशन के साथ हो। तो किस तरह की कंडीशंस, जैसे कि अभी मान लीजिए कि हमने ए पेपर लिया है हमारे पास और 65 है, हमने 65 को कलर कर दिया, तो कलर करने को, कलर का जो हुआ, कलर वाली फीचर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेल के अंदर 65 है या कुछ और है, इतने जस्ट कलर बोला और हमने कलर अप्लाई कर दिया। लेकिन हम चाहें कि ऐसा कुछ करना कि अगर इसके अंदर वैल्यू चेंज हो तो फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाए, वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना, वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करते हैं, जिसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि इसमें मुझे देखना है कि किसने 50 से अच्छा ऊपर सेल किया है, क्योंकि 50 हमारा मिनिमम सेल की क्वान्टिटी, 50 एटलीस्ट करना ही होगा। तो मैं जस्ट चेकआउट करना चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 वाले सेल कौन कौन है और क्या क्या है। तो हमने पहले एरिया को सिलेक्ट किया और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। तो कई सारी कैटेगरी है, तो सबसे पहली कैटेगरी हाईलाइट सेल्स रूल्स को देख रहे हैं, इसमें हमारा ग्रेटर देन दिखा, इस पर क्लिक किया और यहाँ हमने 50 बाय डिफॉल्ट आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बाय डिफॉल्ट आए, अपना कंडीशन यहाँ पे डालें और यहाँ से आप सेलेक्ट करें अपनी फॉर्मेटिंग। एक डिफॉल्ट फॉर्मेट आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया हुआ है, यहाँ से कुछ और फॉर्मेट है जो कि आप चेंज कर सकते हैं, बट इनकी जो यहाँ पे डिफॉल्ट दी गई फॉर्मेटिंग के अलावा आपको खुद का कस्टम फॉर्मेट चाहिए तो आप कस्टम पे चले जाइए और यहाँ पे नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, 4 कैटेगरी के फॉर्मेटिंग आप आराम से इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ग्रीन कर दिया और सेलेक्ट करके ओके कर दिया, हमें इसको ओके कर दिया। तो जित एक तो हुआ कि एक ही शॉट में जितने भी 50 से ऊपर है वो सारे के सारे कलर हो गए, और दूसरा ये वैल्यू के साथ फॉर्मेटिंग भी चेंज होगा। जैसे 68 है, कल के डेट में अगर 17 हो जाएगा तो फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग कंडीशन के साथ है ग्रेटर देन 65, ग्रेटर देन 50। और जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज करूंगा तो वापस कलर अप्लाई हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है समझ में आ गया? डाउट इसमें? सर एक बार वो दिखाइए कहां पर आप लिखते हैं ग्रेटर देन या लेस देन, वो कैसे आता है ऑप्शन? मैं बता रहा हूं, मैं एक बार और बताता हूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाने का तरीका है। आपको सबसे पहले अपना एरिया सिलेक्ट करना होगा जहां आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। याद रखिए जितना सिलेक्टेड होगा वो उतने पे अप्लाई होगा। सो फर्स्ट नीड टू सिलेक्शन, कि आप पहले इसकी सिलेक्शन आप यहां पे करें और जब सिलेक्शन हो जाए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कैटेगरी चूज करना है। तो आपको ग्रेटर देन 50 को हाईलाइट करना है, यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे और ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लिखना चाहे वो लिख दिए, ठीक है। आया समझ में? सर मान लीजिए बाद में फिल्टर करके सिर्फ ये जो रेड फॉर्मेटेड है या ग्रीन कलर वाले हैं, फिल्टर वाले कलर होता है, अच्छा लगा के देखे सर एक बार। सर हमारी बातों पे भरोसा रखिए, हमने बोला हो सकता है तो हो सकता है। नहीं नहीं सर, मतलब कैसे है वही देखना था। फिल्टर की जो फीचर है, फिल्टर का जब कराऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में। अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक है। हाँ सर, अब इसमें और क्या क्या है एक बार देखते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेस देन बिटवीन है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन है, इक्वल। कल वैसे टेस्ट खराब लग रहा था। एक चीज
चीज ध्यान रखिएगा सर, लेस द ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन और इक्वल टू जो आप देख रहे हैं, ये चार चीजें जो है इसमें से ऊपर के जो तीन दिख रहा है ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन जो तीन दिख रहे हैं इसमें सिर्फ नंबर डेट और टाइम डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा नंबर डेट एंड टाइम, आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते, आप इसमें ऐसा ही डाल सकते हैं ग्रेटर देन पूजा ग्रेटर देन नीरज या ग्रेटर देन सॉरी। ठीक है नहीं क्या बोला आपने फिर समझ नहीं पाया फिर से बोलिए। बोल रहा हूँ कि जो ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन में आप सिर्फ नंबर और डेट डाल सकते हैं। अच्छा नंबर और डेट डाल सकते हैं और इसमें अल्फाबेट नहीं डाल सकते टेक्स्ट, मतलब कि ग्रेटर देन पूजा इस तरह नहीं कर सकते आप। अच्छा ठीक है ठीक है आया समझ में सर। हाँ जी हाँ जी चलिए आगे बढ़े। बट इक्वल टू में सब कुछ डाल सकते हैं, जैसे एग्जैक्ट सेल वैल्यू, जैसे कि आपको मान लीजिए जितनी भी पूजा है सबको हाईलाइट करना है तो यहां पे पूजा हाईलाइट हो गया, सेल एग्जैक्ट सेल वैल्यू इसमें हम 253 को हाईलाइट करना चाहते हैं इक्वल टू 253 हाईलाइट हो गया, और फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से यहां चेंज कर सकते हैं, सब में सेम होता है, इसे हर बार मैं नहीं बता रहा हूं आप गेस कर लीजिएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू में दिक्कत होता है, जैसे कि यहीं पे देखिए मैं अगर इक्वल टू दिल्ली करता हूँ तो दिल्ली वाले सारे हाईलाइट हो जाएंगे बट यहाँ न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। बट दिल्ली और न्यू दिल्ली तो सेम थिंग है क्या, पूजा कुमारी और पूजा वो तो द सेम पर्सन, तो अगर पूजा को हाईलाइट करते तो पूजा कुमारी हाईलाइट नहीं होगा, पूजा कुमारी को हाईलाइट करते तो पूजा हाईलाइट नहीं होगा। तो यहां पे इस फीचर्स के लिए आपको अप्लाई करना है टेक्स्ट दैट कंटेन, ओके? टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या होगा कि जो वर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पे दिल्ली लिखा तो दिल्ली जहां कहीं भी होगा सेल के अंदर, चाहे वो सिंगल हो या किसी के साथ हो, स्टार्ट में हो मिडल में हो या एंड में हो, समझे, वो उसको हाईलाइट कर देगा जस्ट कंट्रोल एफ की तरह, राइट सर। यस सर। तो एक आप दिल्ली ले सकते हैं। अब अगले फीचर्स के ऊपर हम बात करते हैं, वो बात करते हैं डेट ऑफरिंग। जैसे कि आपके सामने डेट दिख रहा है, एक काम करता हूँ मैं एक करेंट डेट डाल देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि मुझे इसमें डेट हाईलाइट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे 25 तारीख के बाद का डेट हाईलाइट करना है तो ग्रेटर देन और यहाँ पे 25 मई लिख दिया, हाईलाइट हो गया। करेंट ईयर इसलिए ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास करेंट ईयर नहीं बहुत सारे ईयर का डेट है तो आपको यहाँ देना होगा ईयर देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर आप इसमें मान लीजिए इक्वल टू आज की डेट में हाईलाइट करना चाहता हूँ तो आज की डेट है आपका 24 मई, हाईलाइट हो गया सर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में दिया, इससे पहले मैंने लिखा था 25th मई, मई मैंने डैश और MAY मई लिखा था बट यहाँ पे मैंने क्या किया 5/24 कर दिया, मतलब कि डेट अगर है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ जो डेट दिख रहा है वही फॉर्मेट में आप रखें, आप अपने हिसाब से कोई भी डेट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन यही है कि कॉल जिस डेटा के ऊपर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उस डेटा वो डेटा जो है वो टेक्स्ट में नहीं डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर इसको ओके कर दूँ तो 25th मई फिक्स हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो कंप्यूटर डेट है जो सिस्टम डेट है वो हाईलाइटेड हो, जब भी मैं फाइल खोलूं तो आज की सिस्टम डेट हाईलाइट हो, तो उस केस में हमें जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ए डेट ऑकरिंग उसका इस्तेमाल करना होगा। ए डेट ऑकरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि स्टरडे टुडे टुमोरो, अगर मान लीजिए टुडे ही सिलेक्ट कर लिया तो ये 24 मई से आपका सिलेक्ट हाईलाइट यहाँ दिखा रहा है, ओके करने के बाद फिक्स हो जाएगा।
लेकिन जब मैं कल फाइल खोलूंगा तो कल ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट हमारा 25 हो जाएगा, तो ये भी हम 25 मई को अलर्ट करेंगे। तो सिस्टम डेट के साथ अपने आप को चेंज करता जाएगा, क्योंकि ये किसी कंडीशन पे नहीं, फॉर्म टुडे फॉर्मूला पे हाईलाइट हो रहा है। उसी तरह से स्टडी करूंगा तो कल की डेट, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ओके। तो नायर जी एंड सौभिक जी, कोई डाउट इसमें? नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा जी। सर प्रैक्टिस तो आप ही करनी पड़ेगी ना। हाँ, नहीं नहीं, समझ में आया है कॉन्सेप्चुअली, बट हाँ तो समझ लीजिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग आपके पास आ ही गई, रिकॉर्डिंग को देख के अप्लाई कर लीजिए। समझ में आ गया तो ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, नहीं तो कॉल, अर्जेंट में कुछ पूछना है तो कॉल कर लीजिएगा, फ्री रहा तो मैं आपको कॉल पर रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो सिस्टम में लोड करके अगले दिन क्लास में पूछ लीजिएगा। अगर सब कुछ समझ में आता है तो गूगल पे कुछ नई चीज़ को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ नई चीज़ को रिसर्च कर लीजिएगा क्या? जी जी। तो इसमें हमने अभी यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन हमने कर लिया, डेट ऑर्डरिंग हो गई, सॉरी इस पर डुप्लीकेट वैल्यू। अगर एक सिलेक्टेड एरिया में, अगर एक सिलेक्टेड एरिया में आपको लगता है कि कोई वैल्यू मोर देन वन टाइप है, मोर देन वन टाइम है, उसको मुझे हाईलाइट कर। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यू को चूज करेंगे। जो वैल्यू मोर देन वन टाइम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, और जो वैल्यू आपका यूनिक होगा वो हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यूनिक को हाईलाइट करें, तो यहां से यूनिक को सेलेक्ट कीजिएगा, यूनिक हाईलाइट हो जाएगा, डुप्लीकेट सेलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट हाईलाइट हो जाएगा, और कलर तो पता ही आपको अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये थी हमारी सेल्स हाईलाइट सेल, जिसमें हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑर्डरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू हमने किया। अब आप बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिपीट करवाना चाहते हैं? सर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कॉलम जे के वैल्यू पे, हेलो, होगा उसके लिए मोर रूल्स करना पड़ेगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है? अभी इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, थैंक यू। इसमें आपका न्यू रूल्स आता है ना, तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपको प्री डिफाइंड रूल समझा रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से रूल्स वगैरह यहाँ न्यू रूल्स में लगा सकते हैं, ठीक है सौभिक जी? आगे बढ़े। यस सर। अब आती है टॉप बॉटम, टॉप टेन में, जैसे टॉप बॉटम रूल्स में आपको, आप चाहते पहले इसकी जो पहले से लगी कंडीशनलिटी को हटाना है, तो क्लियर एंटायर शीट या सिलेक्टेड सेल में से यहाँ से आप कन्वर्टिंग हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप जो है टॉप बॉटम से, अगर मैं टॉप टेन किया तो इसका जो टॉपर है वो हाईलाइट हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट टॉप टेन वैल्यू। टॉप टेन की जगह अगर टॉप हंड्रेड करेंगे तो टॉप हंड्रेड, थाउजेंड करेंगे तो थाउजेंड हाईलाइट आपका होगा, जो हाईएस्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर टॉप टेन में अगर एक ही वैल्यू दस बार रिपीट है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे
एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ये कन्फ्यूजन लोगों को होती है इसलिए मैं आपको भी समझाता हूँ। हमने ये ले लिया, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट वैल्यू बैल, यहाँ पे हम इसको करते हैं हाईलाइट बाई टॉप 10, हाईलाइट यहाँ कर देते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल में हमने यहाँ से टॉप 10 कर दिया। तो यहाँ देखिए टॉप 10 हमने कर दिया तो 51 45, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 88 है। अब मान लीजिए मैं 12 को 88 कर देता हूँ तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, समझे। तो जो अगर मोर देन वन टाइम रिपीटेड है तो वो भी हाईलाइट होता है। यहाँ पे देखिए बॉटम 10 हाईलाइटेड है, सेम बॉटम जो होता है लोएस्ट को हाईलाइट करेगा। यहाँ पे टॉप 10 परसेंटेज और बॉटम 10 परसेंटेज है, ये परसेंटाइल फॉर्मूले से कलेक्टेड है। जब आपको मैं परसेंटाइल फॉर्मूला समझाऊंगा तो इसको मैं समझा दूंगा। फिर आता है अबव एवरेज। अब देखिए सिलेक्टेड कॉलम का एवरेज है, यहाँ देखिए 50 है। अगर मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ कि अबव एवरेज तो 50 से ऊपर वाले को हाईलाइट कर दे। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऑफिस में टारगेट या बेंचमार्क डिफाइन है तो आप उसे अभाव उससे बिलो निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बेंचमार्क डिफाइन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है और एक स्कूल में का रिजल्ट निकला हुआ, अब आपको ये जानना है कि ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे और वाले कौन कौन से हैं, तो सही से बात हम देखेंगे कि भाई अबव एवरेज कौन कौन से है। तो हम क्या करेंगे सारे रिजल्ट्स में से अबव मतलब कि जो एवरेज होगा सारे रिजल्ट का उससे जो ऊपर होंगे मतलब कि वो स्कूल के ठीक ठाक बच्चे हैं। तो इसका यूज हम लोग करते हैं। और सेम यहाँ पे आता है बिलो एवरेज, तो यहाँ से हम बिलो एवरेज निकालते हैं। अब अगली कैटेगरी है डेटा बार। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें ये होता है एक पूरी डेटा में कंपेयरिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि जो 53 है ये इस पूरे कॉलम के डेटा में टॉप हाईएस्ट रेट में से क्वांटिटी में आ रहा है या लोएस्ट में आ रहा है या मिड में आ रहा है, क्या है इसकी पोजीशन क्या है ओवरऑल सेल्स में। तो अब इतने बड़े डेटा के ऊपर हम चार्ट्स वगैरह तो नहीं बना सकते ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा बार लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ डेटा बार चूज करूँगा तो जैसे ही सेल के पूरे डेटा को कंपेयर करके देखेगा कि भाई ये 42 पूरे सेल्स में किसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इससे आपका सिंपल सा आइडिया लग रहा है। अब इसको अगर मैं अलग शीट पे समझाऊं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं यहाँ देखिए कि मैं डेटा बार लगाता हूँ तो क्या हो रहा है कि जैसे हमारा नंबर बढ़ रहा है उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमारा बार भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका यूज आप बड़े बड़े डेटा में कंपेयर करने के लिए इजीली समझने के लिए कर सकते हैं। सब एक ही है, बस अलग अलग डिजाइन और कलर अलग अलग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बार के जगह पे कलर से भी कलर शेड से भी दिखाते हैं। तो कलर स्केल्स यहाँ पर है, देखिए लोएस्ट के लिए रेड है, मिडल के लिए ग्रीन है सॉरी येल्लो है और हाईएस्ट के लिए ग्रीन है। तो जो जितना ज़्यादा ग्रीन है मतलब कि उतना बड़ा नंबर है।
तो इसको भी इंडिकेट आप कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है। लेकिन आपको क्लियर बताना है कि टॉप बॉटम क्लियर एकदम, तो उसके लिए आइकन सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नो कंफ्यूजन, एवरीथिंग क्लियर। तो इसके अलग अलग आइकन सेट है, चार है, मैंने ये हो गया कि भाई चार मतलब कि ये अपर हो गया, नियर टू अपर, नियर टू बॉटम, ये आपका बॉटम हो गया। ये पांच है, ये आपका अपर, नियर टू अपर, ये आपका बिटवीन हो गया मिडल, ये आपका लोअर टू बॉटम, ये आपका बॉटम। या फिर बहुत सारे और भी स्केल से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चीज और है कि मैं यहाँ क्वार्टर वन लिखता हूँ, यहाँ पे क्वार्टर टू लिखता हूँ। अब क्वार्टर वन में मान लीजिए कि 10 सेल है, क्वार्टर टू में मान लीजिए 12 है, तो मुझे इसको जो है बताना है, तो इसके लिए अलग से इसकी कंपेयरिंग निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल आइकन लगा सकते हैं। आइकन लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे जो बड़ा होगा उस पर अपर और छोटा है, कल के डेट में वैल्यू चेंज होती है 15 हो जाता है तो ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड वगैरह पे करते हैं। तो हमने हाइलाइट्स के बारे में बात की, हमने टॉप बॉटम रूल्स के बारे में बात की, हमने डेटा वर्ड्स के बारे में बात की, हमने कलर स्केल्स के बारे में बात की, और हमने बात की आइकन सेट्स के बारे में। कैटेगरी समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ मिसिंग है, जैसे कि हाइलाइट सेल्स रूल में देख लीजिए, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, टेक्स्ट दैट कंटेन तो है बट स्टार्ट विथ नहीं है, एंड विथ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीजें बाहर जो आपने देखी ये है टॉप यूजेज, जो मोस्टली यूजेज होने वाले कमांड को बाहर डाला हुआ। इसके अलावा आप मोर रूल्स पे जाएंगे तो मोर रूल्स पे देखिए, यहाँ पे दिख गया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, एवरीथिंग। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि मुझे अपना आइकन चेंज करना है, इसे कुछ और आइकन होना चाहिए, तो आप इसको मैनेज रूल पे जाएंगे और इस यहाँ पे जो इस सिलेक्टेड एरिया में जो कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा उसका लिस्ट यहाँ दिख जाएगा, डबल क्लिक कीजिए और अपनी जो फॉर्मेटिंग चेंज कर लीजिए। जैसे मुझे कलर यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये चाहिए था, एंड अप्लाई कीजिए, अप्लाई, चेंज हो गया। तो किसी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर मैनेज रूल में जाके एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आती है कि हम क्या एक ही के ऊपर दो कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मुझे इसको कलर भी करना है। जी हाँ, कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई एक ही सेल पे कर सकते हैं, ग्रेटर देन 50 एंड ओवर, मोर देन वन कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं एक सिलेक्टेड एरिया के। लेकिन अगर आपके पास कस्टम कंडीशन है, ऐसे कुछ कंडीशन है जो कि इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको आप न्यू रूल्स पे यूज फॉर्मूला पे जाके करते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद कन्फर्म हो जाए कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ। ओके, अब आप लोग अपने अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये डाउट